हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अंडों के पकोड़े के सब्जी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना बनाना है। इसके लिए हमने 5 अंडे ले लिया है। इसको एक एक करके सबको फोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने एक अंडे को फोड़ लिया। इसी तरह करके पांचवा अंडों को हम फोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए मिला लें ताकि नमक इसमें मिल जाए। यह सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। ये देखिए, अंडा पूरा अच्छे से मिल गया है। अब हम इसको एक पॉलीथीन में भर के अच्छे से गांठ बांध देंगे। आप चाहे तो इसे टिफिन में भी पैक करके बना सकते हैं। तो आज हम इसे पॉलीथीन में भर रहे हैं। इसको भर लेंगे और इसमें अच्छे से गांठ बांध देंगे ताकि इसका अंदर पानी ना घुसे। ये देखिए किस तरह से इसको बांधना है। हमने पॉलीथीन को अच्छा से बांध लिया है। इसमें हम डबल पॉलीथीन लगा देंगे। उस पॉलीथीन को भी इसी तरह करके घुमा के बांध लेना है। टाइट करके इसे हम बांध लेंगे। उसके बाद हम कुकर को चढ़ा देंगे। इसमें 2 कटोरी पानी ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें आलू भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम जो अंडा को भर के पॉलीथीन में पैक करके रखा था उसे हम डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। देखिए, हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम में 5 से 6 सीटी लगाएंगे। जब तक हमारा अंडा बॉयल हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेंगे। हमने एक प्याज को ले लिया है। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इसको हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसका ग्रेवी भी बना सकते हैं या फिर रसेदार सब्जी भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद है। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। एक बड़ा साइज़ का टमाटर हमने ले लिया। इसे आधा काट के इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ टमाटर को भी कद्दूकस कर रहे हैं। अब हम इसे अलग अलग प्लेट में रख देंगे। देखिए, कुकर सीटी मार रहा है। इसे हम 4 से 5 सीटी तक पकाएंगे। देखिए, हमारा 2 सीटी हो गया है। इसी तरह करके हमें 4 सीटी लगा लेना है। 4 से 5 सीटी में पक जाता है अंडा पूरी अच्छे से। जब तक इसका गैस पूरा अच्छे तरह से निकल ना जाए तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। देखो, पूरा अच्छा से गैस निकल गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है, सावधानी से ही निकालना पड़ता है। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। 2-3 मिनट के बाद अब हम इसे छू के देख लेते हैं कि ठंडा हुआ है कि नहीं। अब हम पॉलीथीन को अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए, हमारा अंडा कितना अच्छा पक गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल पनीर जैसा लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा और बहुत आसानी से बन जाता है। ये 5 अंडों से आप चाहे तो 10 आदमियों का सब्जी बना सकते हैं। वैसे तो हम लोग अंडा करी बनाएंगे तो 5 अंडे से 5 जन का ही होता है, पर इस तरह से बनाने से 5 अंडे से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये देखिए, अब हम इसे पनीर जैसा छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे। ये गरम है इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे बड़ा साइज में भी काट सकते हैं या फिर छोटा साइज में भी काट सकते हैं। मैं इसे ज़्यादा छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं मीडियम साइज में काट रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने सब अंडों को छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे सरसों का तेल से बना रही हूँ। देखिए, हमने सरसों का तेल ले लिया है। थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ क्योंकि इसमें हमको अंडा को तलना है। ये तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो अंडे को पकौड़े को काट के रखा है उसे हम डाल देंगे। जितना एडजस्ट होगा एक बार में हम इसमें डाल देंगे। और इसे सुनहरा कलर होने तक धीरे धीरे पकाना है। तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपक ना जाए कढ़ाई में। और इसमें थोड़ा सा बुलबुला जैसा निकलता है जब हम इसे तलते हैं तेल में। और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जले ना। देखिए, हम इसे बीच बीच में चला रहे हैं। देखिए, अंडे सुनहरे कलर के हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर सुनहरा कलर के दिख रहे हैं, बिल्कुल पनीर जैसा दिख रहा है। ऐसे हम धीरे धीरे निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारे अंडे के पकोड़े। इसे चाहे तो आप इसी तरह भी खा सकते हैं या फिर ग्रेवी बना के भी खा सकते हैं। ये देखिए जो बचा हुआ अंडा का पीसेस था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और तल लेंगे। हमने सब अंडों को तल लिया है। अब हम इसमें एक तेज पत्ता डाल देंगे और जो हमने प्याज को कद्दूकस करके रखा था अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा काला हो गया है क्योंकि जो हमने अंडे को तले इसीलिए। आप चाहे तो दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं उसी में डाल रही हूँ। देखिए, हमने प्याज को डाल दिया है। इसको सुनहरा कलर होने तक पकाना है। अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे जो कद्दूकस करके हमने रखा था। इसको भी अच्छे से मिला देंगे।
अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने अंडे के पकौड़े में भी डाले हैं। आवश्यक अनुसार इसमें हम नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। डेढ़ चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला चिपके ना। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हरा मिर्च का पेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला देंगे। हमने सब मसालों को अच्छे से कूट के इसमें डाल दिया है। अब एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा पानी दे दें ताकि अच्छे से मसाले पक जाएं और एक दूसरे के साथ मिल जाए। ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको तब तक पकाना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे और अच्छे से मसाले पक ना जाए। ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए मसाला सब पानी को सोख लिया है, मसाला अच्छे से पक गया। अब हम इसमें 2 कटोरी पानी मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए हमारा सब्जी खोल रहा है। अब हम इसमें जो पकौड़े को तल के रखा था उसको हम मिला देंगे। आपको अगर ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा कम पानी दीजिए। हम इसका रसदार सब्जी बना रहे हैं इसीलिए हमने 2 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसमें पकौड़े को छोड़ देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर दे दिया है और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब हमारा सब्जी पक गया है। चलिए हम इसे निकाल के दिखाते हैं कितना सुंदर है। ये देखिए हमने एक प्लेट में निकाल रहे हैं। ये सब्जी बिल्कुल पनीर का सब्जी जैसा दिखता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा सब्जी तैयार है खाने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बता